तो कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे लेना था काम से एक छोटा सा ब्रेक, तो मैंने शुरू किया दोस्तों को कन्वेंस करना, पर उन्हें कन्वेंस करना इतना आसान नहीं था, सबके अपने रीजंस थे। फिर मुझे मिला मेरे जैसा ही एक बंदा जो घूमने के लिए तड़प रहा था, अपने जालम भाई। भाई के साथ बन गया बाइक ट्रिप का प्लान, क्योंकि भाई के पास है हिमालयन, और जस्ट एक हफ्ते पहले ही इस बंदे का प्लेसमेंट हो जाता है। फिर ये और हर्ष भी रेडी हो जाते हैं और हम चार बंदे ट्रिप पे निकल लेते हैं। हम सब चंडीगढ़ में मिलते हैं और वहाँ से पहुँचते हैं जीबी। हाँ, रास्ते में एक नाइट का ब्रेक भी लिया था क्योंकि हम सब कल रात से चले आए थे और थक गए थे। तो अब शुरू करते हैं जीबी से। तो हेलो दोस्तों, अपन आ गए हैं जीबी में। जीबी है अपना हिमाचल के अंदर और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो अपन ने अपना रूम ले लिया है और व्यूज़ रूम से काफ़ी अच्छे हैं। तो बाइक अपन ने यहाँ पर खड़ी कर दी है अपनी। तो अभी अपन आ गए हैं रिवर साइड पे और कुछ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई है और देखते हैं, पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लो। और अभी एक और ब्रिज ढूंढना है हमने, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ करवाते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। इट्स डे टू इन जीबी एंड अभी सुबह सुबह उठ के सनराइज़ के मज़े लेने आए हैं और सनराइज़ काफ़ी प्यारा हो रहा है पीछे। तो अभी वीडियोस वगैरह बनाई है, वो आपको दिखेगी यहाँ पे। और काफ़ी प्यारा हो रहा है यार, कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं जितना अच्छे से दिखा पाएँ। तो आज का प्लान ऐसा है कुछ कि आज थोड़ा लेट ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जालम और हर्ष को थोड़ा काम करना है ऑफिस का, क्योंकि आज है मंडे और मैंने तो ले रखी है छुट्टी हफ्ते की, तो मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं है उस चीज़ का। तो आज अपना प्लान कुछ ऐसा है कि अपन जा रहे हैं सिरोल से लेक ट्रैक पे, तो आई थिंक वहाँ पे आज पूरा डे स्पेंड हो जाएगा हमारा। और देखते हैं, अगर टाइम बचा तो फिर और कहीं एक्सप्लोर करते हैं। और एक यहाँ पे आसपास जीबी वाटरफॉल और मिनी थाईलैंड है, तो वहाँ भी ट्राई करते हैं, वहाँ कैसा है उसको भी कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। ब्रेकफास्ट 10 मिनट में बन जाएगा। ओके सर, 5 आलू के परोठे कर दिए। यो मन्नी भाई कितना? वधिया वधिया। 4 चाय कर दी। ओके जी। आलू परांठे थोड़े महंगे हैं। कितना का? 60 रुपए का। मूर्खों के नंबर क्या आते हैं। तो अभी अपन हो गए हैं रेडी एकदम, और बाइक भी कोल्ड स्टार्ट पे लगा दी है, और अभी चल रहे हैं अपन सिरोल सर लेक पहले, और फिर देखते हैं अगर शाम को टाइम बचता है तो मिनी थाईलैंड और इधर जाते हैं, और अगर नहीं भी बचता तो देखते हैं कल सुबह भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है, चैन लूप अपन ने लगा लिया है, ये ज़रूरी होगा बहुत। कल तो बाइक की हालत ही ख़राब हो गई थी, तो बढ़िया इसको लूप कर दिया। बाइक वार्म स्टार्ट हो गई है, अभी चलते हैं। टेम्परेचर दिखाना है बाइक का 26 डिग्री, मतलब सुबह सुबह मैंने एक बार देखा था तब तो 12 डिग्री पर आ रहा था, अभी थोड़ी धूप वगैरह पड़ी है 26 डिग्री। तो अभी निकल रहे हैं अपन जलोरी पास के लिए, और वहीं से ही सिरोल सर लेक का भी जो बेस है वही है, मतलब वहां से स्टार्ट होगा ट्रैक। और ये वाली ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और बाइक ऊपर चढ़ाने में भी काफ़ी एफर्ट लग गया। हाँ यार, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम आराम से चढ़ गई, मतलब इतना कुछ लगा नहीं। अभी मैं थोड़ा दिक्कत दिया बीच में, बाकी मैंने घीच दिया।
तो मेरी जान बहारा, सुने अंबर का तारा, तुम्हीं से मैं तो हारा। तो अभी अपन पहुंच चुके हैं जलोरी पास पे, और जलोरी पास से ट्रैक स्टार्ट होता है सिरोलसर लेक का। और अभी लोकल से पूछा है शॉप वाले से, तो वो बोल रहे हैं कि 5 घंटे अप डाउन है विद, मतलब अगर आप टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे फोटोज़ वोटोज़ के लिए तो 5 घंटे टोटल लगेंगे। तो अभी 12 बजे, देखते हैं 5 बजे तक आते हैं कि नहीं आते। तो अभी अपन ने ट्रैक कर दिया स्टार्ट सिरोलसर ट्रैक। क्या चाहते हो भाई? यार बल्लीबाजी ला, गिम्बल ले। गिम्बल यूज़लेस है यार। अरे यार मैं तो ब्लरी हो गया। बल्लीबाजी ला गिम्बल ले क्या है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है यार। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, टेढ़ा हो जाता है। सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने। तो यार यहाँ का रास्ता जो है वो काफ़ी फॉरेस्ट वाला है, और काफ़ी प्यारा रास्ता है, और लोग काफ़ी कम आते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हिडन जैम टाइप या फिर कुछ चिल वाइब रहना है क्राउड से दूर, तो सिरोलसर लेक ट्रैक एकदम बेस्ट है आपके लिए। और एकदम और ट्रैक एकदम ईजी है, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, स्मॉल ट्रेल्स ही है, और साइड में फॉरेस्ट व्यू है, बड़े बड़े ट्रीज हैं इस तरह के। अभी रास्ते में जो लोग वापस आ रहे थे उनसे हमने पूछा कि किस तरीके का है लेक, तो वो थोड़े डिसअपॉइंटेड से लग रहे थे। तो देखते हैं हमें किस तरीके का पर्सपेक्टिव मिलता है वहाँ पे जाके, तो वो शेयर करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल, और अभी अभी आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं अभी, तो अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, और कंटेंट भी खूब आ रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर देना, और इंस्टाग्राम आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी बढ़िया बढ़िया रील्स आएगी, और इनकी भी आएगी अपनी भी आएगी। फाइनली सिरोलसर लेक दिखा। ओके सिरोलसर लेक, और लेक ठीक है, अच्छे व्यूज़ हैं और क्लीन है लेक, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अभी अपन वापस बेस पे जाने लग गए हैं, स्टार्ट कर दिया था, और अभी हाफ वे आई थिंक आ चुके हैं, और हम चले थे 3:30 बजे, और अभी अराउंड 4 बज चुके हैं। आई थिंक टोटल इन टोटल 1.5 घंटा लग जाएगा। अभी यार अपन जीबी के पास पहुंच चुके हैं, और जो रास्ता है वो एकदम स्टीप है, अब नीचे आना है, ढलान थी, तो सबको फर्स्ट सेकंड गियर में चलाने का सजेशन दिया जाता है, ताकि ब्रेक जो है वो फेल ना हो जाए, मतलब गर्म हो जाती है इस वजह से, फिर लगती नहीं है ब्रेक।
तो अभी पहुंच चुके हैं, होटल ही चलते हैं सीधा। तो आज है अपना डे 3 जीबी के अंदर और कल हमने सिरोल्सर लेक किया था कवर। तो अभी सुबह सुबह 11 बजने वाले हैं और हम सोच रहे हैं कि मिनी थाईलैंड कवर कर लें एटलीस्ट और फिर निकलते हैं मनाली के लिए, क्योंकि अभी और कुछ है नहीं ऐसा यहाँ पे देखने के लिए। एक रघुवर फोर्ट है, वो भी एक ट्रैक है, तो हम ट्रैक 2 लगातार करना नहीं चाहते, तो इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं और निकल रहे हैं मनाली के लिए। मिनी थाईलैंड, मिनी थाईलैंड। तो अब जीबी में 2 दिन बिताने के बाद हम निकल लेते हैं मनाली के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास 5-6 दिन और होते हैं इस ट्रिप के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीधा मनाली।